morning guys, it's day 2 in Varkala. We are still in that Indah hotel and as you know that breakfast is complimentary free, so just order our breakfast. So there are like tons of options to choose from. So first of all, you can get a drink and something to eat. So for drink I ordered masala tea and Anjali ordered green tea. So this is how masala tea is. This is the cup and chai. And madam ki green tea. And ये menu है, so इसमें से आप कुछ भी एक pick कर सकते हो, जैसे egg में हो गया, pancake हो गया, porridge हो गया, fruit और omelette में से कुछ एक pick कर सकते हो, then you can take any drink out of this unlimited drinks. So this is on the house, so we don't need to pay anything. This is included in the room charges. So we breakfast करेंगे, उसके बाद freshen up होंगे, dress up होंगे. बाइक लेंगे एंड देन विल गो फ्रॉम हियर. कहाँ वो पता नहीं, देखते हैं. मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है. दिस इज चिकन बेनेडिक्ट. पता नहीं क्या है, साउंडेड फैंसी, सो आई ऑर्डर. टमाटर है, खीरा है, दो अंडे बॉयल लग रहे हैं और ये चिकन के पीसेस है ब्रेड पे. खा के देखते कैसा है. और ये है एग, पता नहीं क्या है, फ्राइड एग और सैंडविच है, बीन्स है, टमाटो एंड ऑल. फैंसी, वेरी फैंसी ब्रेकफास्ट. खाओ. आई लाइक दैट पीस. चलो विल एंजॉय ब्रेकफास्ट एंड सी यू लेटर. So this is the bike we are taking on rent from the same hotel we are staying. So this is Honda, what is that name? Navi, Honda Navi. So Honda Navi hai aur I think 300 rupees something kuch de rahe hai. So first plan of the day will be to go to that, if you've seen that famous Jatayu ka sculpture bada sa jo tha, so I think yahan se 27-30 kilometer hai, so maybe 40-50 minutes lagega. So abhi wahan ja rahe hai. So Kerala ka jo country side hai wo thoda enjoy kar lenge. So chalte hain. थीम पार्क और लाइक फन पार्क. सो यहाँ पे एडवेंचर स्पॉट्स है और दैट रॉक पे जो होता है केबल राइड वो है और स्कल्पचर तो है ही. सो व्हाट वी आर थिंकिंग, यहाँ से केबल लेंगे, केबल राइड 400 रुपये का समथिंग है. शो यू द प्राइसेस एंड ऑल. बहुत अच्छी फैसिलिटी लग रही है यहाँ पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है. सो पार्किंग वार्किंग, वॉशरूम, पानी वानी सब अवेलेबल है. तो एक तो ये है 400 पर पर्सन, एडवेंचर सेंटर 500 पर्सन एंड हेलीकॉप्टर 2400. सो वी विल डू दिस 400 प्लस GST. ओके, नथिंग एल्स. सो इंक्लूडिंग GST एंड ऑल, दो जनों का 952 लगा है. चलो चलते. टिकट खरीदने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, फिर वहाँ पे काउंटर है, चेकिंग चेकिंग होगी, उसके बाद ऐसा बैंड देंगे, ऐसा बैंड, ठीक है, और टिकट देंगे. बहुत सही सिस्टम है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि लाइक इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर जो बिल्कुल अच्छा सा प्रॉपर सा सिस्टम होता है, क्लीन एनवायरमेंट होता है. तो वेल डन केरला गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, हूएवर बिल्ट दिस, बहुत सही बनाया है. वेरी फकिंग इम्प्रेस्ड. अच्छा, बहुत सही है. अब देखते केबल राइड कैसे होती है. छोटू सा टिकट दिया है और बैंड है बस. आई थिंक इससे शायद तक वी कैन ऑल्सो बाय स्टफ, फूड एंड ऑल जो भी है. तो देखते हैं कैसा होगा. तो भाई चालू हो गया.
was fun. So जो व्हील चेयर पे है उनके लिए सेकंड लगो. जटायु स्कल्पचर टॉप पे आने के बाद ये जटायु का जो मूर्ति है. जटायु की स्टोरी तो पता होगी, रामायण में जब रावण सीता का हरण करके जा रहा होता है तो जटायु वाले एक ट्राई टू सेव सीता. डोंट कोट मी ऑन दिस बट जितना मेरे को पता है उतना यही है. ऊपर से व्यू भी बहुत सही है, आपको भी दिखा देता हूँ. अगर ऊपर ड्रोन होता तो आई थिंक बेटर व्यू मिलता अगर ऊपर से, पर ड्रोन यू नो लास्ट ट्रिप पे क्रैश हो गया था तो उसके बाद कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो अभी तक वो सॉल्व नहीं हो पाया. ड्रोन उड़ रहा है बट इट इज़ नॉट एबल टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, मेमोरी कार्ड रीड नहीं कर पा रहा, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड रिजोल्यूशन फॉर दैट. इसलिए अभी यहाँ ड्रोन नहीं ला पाया. शास्त्रीय संगीत बज रहा है यहाँ पे. अच्छा है, हेलीपैड भी है इफ यू आर टेकिंग द हेलीपैड राइट. अच्छा टाइम पास कर रहे थे, घूम रहे थे और बारिश स्टार्ट हो गई. बट वी नो जैसे केरला में आफ्टर मानसून होता है, ये ज़्यादा टाइम टिकने वाली नहीं है होपफुली, थोड़ी देर में होके बस ख़त्म हो जाएगी. और हमारे पास छाता तो है वैसे, पर ठीक है अभी अच्छा तो शेड मिल गया. जब तक बारिश रुके अभी भी हो ही रही है तो मीन मैं इस कैफे में आया है जो जस्ट सामने ही है इसके, और एक हॉट चॉकलेट लिया है. ठीक है, सीसीडी वाली मशीन लगी हुई है, उसी से हॉट चॉकलेट मतलब पाउडर डाल के दूध डाल के दिया था बस. 60 रुपये का है. ठीक है, अब जब बारिश रुकी उसके बाद निकलेंगे यहाँ से टू द नेक्स्ट पॉइंट वेयर वी हैव. आ गया है अब सोच रहे हैं यहाँ से मतलब वापस वर्कला की तरफ जाए जो 30 किलोमीटर है. फिर हम जाएंगे मोस्टली कपिल बीच. अब कपिल बीच क्यों जा रहे हैं, इफ देयर इज़ वन वेरी यूनिक थिंग अबाउट दैट वो आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे. कपिल बीच आ चुके हैं. आपको बताया था कि इसकी खास बात क्या है कि इस बीच के एक साइड तो है समुंदर, जैसे बीच के पास होता है तो दिस इज़ द समुंदर, एंड एक साइड है लूप लेक. सो इधर लेक. सो जो आपने अभी जो रूट देखा वो ऐसा रूट है कि एक दोनों साइड पानी है तो बहुत सीनिक रूट है. तो अगर आप वर्कला साइड कभी आ रहे त्रिवेंद्रम आ रहे तो यहाँ ज़रूर आइएगा, बनता है आना. और बीच जाने के लिए मतलब मेन प्रॉपर बीच जाने के लिए थोड़ा यहाँ से नीचे रास्ता है. तो कपिल बीच से वापस अब वर्कला टाउन आ चुके हैं क्लिफ्ट में. तो बहुत भूख लगी थी, 3:30-4 हो गए लंच के लिए. एक तिब्बतीन कैफ़े था वहाँ आए हैं. तो ऑर्डर क्या है, कुछ जीरा राइस, एक दाल है और एक फ्राइड पोटैटो. क्या ये गार्लिक पोटैटो, सो गार्लिक पोटैटो है. तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा होता है. कुछ
पहले गार्लिक पोटैटो ट्राई किया था, वो भी अच्छा था, पर दाल तो दाल यमी है। सो अगर यहाँ आ रहे हो वर्कला क्लिफ, तो ये एक तिब्बतियन रेस्टोरेंट है ब्लैक बीच की साइड में। अगर ब्लैक बीच जाओगे तो, जो वी आर नॉट श्योर हम जाएंगे नहीं जाएंगे क्योंकि देखा हुआ है ऑलरेडी, पर ट्राई कर सकते हो।